दोस्तों अंजना ओम कश्यप के बारे में बात कर रहे थे। अंजना ओम कश्यप कहाँ जाएंगी, कौन सा वेंचर शुरू करेंगी, पिछले बीते दिनों बहुत सारी बात हुई। तो अंजना ओम कश्यप की जो पोस्ट है आज तक पे, वो सीनियर न्यूज़ एडिटर की है। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है सीनियर न्यूज़ एडिटर। न्यूज़ एडिटर ही अपने आप में बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन सीनियर न्यूज़ एडिटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कह लीजिए कि जो चैनल को चलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं उनमें शुमार हैं अंजना ओम कश्यप। और आपको पता है सुधीर चौधरी के आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बनती नहीं है उनसे, तो वो शो छोड़ देंगी। दूसरी न्यूज़ ये थी कि डिजिटल, आज तक डिजिटल पे उनको कार्यक्रम दिए जा रहे थे जो कि यूट्यूब पे आते हैं, तो उनको पसंद नहीं था। वो सोच रही थी, वो चाह रही थी, हर कोई चाहता है कि वो एज ए फेस चैनल पे काम करे, आज तक नंबर वन चैनल न्यूज़ का। 15 अगस्त को पहली बार देखी गई, लोग कह रहे थे कि एक नया चैनल शुरू हो रहा है भारत 24 करके, उस पर वो एंकर के भूमिका निभा सकती हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि जी न्यूज़ पे जाएंगी, क्योंकि आज तक पे आपको पता है कि सुधीर चौधरी ने ज्वाइन किया है, रिज़ाइन दिया था जी न्यूज़ से, तो ब्लैक एंड वाइट नाम का शो कर रहे हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहा है और चल रहा है अभी भी। तो अंजना ओम कश्यप नहीं ज्वाइन करेंगी ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन इन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए अंजना ओम कश्यप ने 15 अगस्त को जी न्यूज़ पे वापसी की। ना सिर्फ शो किया, प्रोमोज भी आए कि वो क्या आगे अपना वेंचर शुरू करना चाहती हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब मिथ्या थे, उन पे सब पे फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने, और आज तक को छोड़ के वो कहीं नहीं जा रही हैं। उन्होंने ये भी सोचा होगा बड़ी पोस्ट है सीनियर न्यूज़ एडिटर की, तो इसको छोड़ना ठीक नहीं है, और आज तक छोड़ना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जब सारे लोग छोड़ करके सब चैनल आज तक पे आ रहे हैं, तो अंजना ओम कश्यप ने सोचा कि क्या ये सही निर्णय होगा उनका ये वेंचर छोड़ना, और वो जहाँ जाएंगी वहाँ उनको इतनी पब्लिसिटी ना मिले, या वैसा पोस्ट नहीं मिला उनको, या क्या ऐसी वजह थी, ये तो अभी उन्होंने कभी कहा ही नहीं, कुछ ना कुछ अभी बताया। बस इतना जो न्यूज़ थी कि उन्होंने वापसी की 15 अगस्त को, वो जो शो करती थी वो अपने शो डेली शो लेकर के आएंगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आते जाते रहते हैं। दूरदर्शन से कैरियर शुरू किया था अंजना ओम कश्यप ने, उसके बाद एबीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ और आज तक पे काम किया। तो 2002 से कैरियर अपना शुरू किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, वो गुपचुप तरीके से आई और ज्वाइन किया चैनल। तो फिलहाल के लिए जो न्यूज़ थी कि अंजना ओम कश्यप वापसी कर रही हैं, कर चुकी हैं आज तक पे। सुधीर चौधरी तो आ ही चुके हैं, उनका शो भी चल रहा है। तो ये थी खबर जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।